हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार्ट लाइक। मैं हूं अभिषेक चुलवर और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्टार्ट लाइक में। सो गाइस, हॉरर मूवीज़ हम सभी को पसंद है, आपको भी पसंद होंगी, मुझे भी पसंद होंगी। लेकिन सैडली अगर मैं ये बोलूं कि अपने इंडियन इंडस्ट्री में, अपने बॉलीवुड में अभी तक एक भी ढंग की हॉरर मूवी नहीं बनी है। इनके जो जितनी भी हॉरर मूवी अपने इंडस्ट्री में आती हैं, बॉलीवुड में या इंडियन इंडस्ट्री में, वो सभी VFX या बैकग्राउंड स्कोर की वजह से सफ़र करती हैं। और रिसेंटली मैंने अभी देखी थी भूत, जो धर्मा प्रोडक्शन की बड़े बैनर की मूवी थी, लेकिन वो भी एकदम कचरा थी। उसके हॉरर सीन, फनी सीन ज़्यादा लगते थे। तो ऐसे ही अभी एक छोटे बैनर की मूवी आई है अतीत, Z5 पे। वो दिखने में थ्रिलर हॉरर लग रही थी, तो अभी मैंने वो देखी है, तो आपको बताता हूँ कैसी है, आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने अतीत राज में से किसी एक को चुनना था, किसे चुना था? अतीत। अतीत इसका रन टाइम है 2 घंटे का और इसकी IMDb पे रेटिंग है 6.0। इसे आप देख सकते हो Z5 पे। और इसकी कास्ट की बात करें तो कास्ट में बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं। राजीव खंडेलवाल अतीत रायना के रोल में, प्रियामनी जानवी के रोल में, संजय सूरी विश्वकर्मा के रोल में। अब इतनी टैलेंटेड स्टार कास्ट के बाद अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। तो स्टोरी है एक सोल्जर की, जो कि वॉर में मर जाता है और सडनली 10 साल बाद वापस आता है। और वो सोल्जर है राजीव खंडेलवाल अतीत रायना के रोल में। और 10 साल बाद अपनी बीवी और बच्चे को अपने पास लेना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बीवी और उसकी बच्चे मूव ऑन हो चुके हैं, उन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली है। और एक और चीज़, जब से वो वापस आया है तब से टाउन में काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। तो इन सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के पीछे कहीं अतीत का तो हाथ नहीं है? वो जिंदा है या मुर्दा है, या कहीं कोई भूत तो नहीं है? इन्हीं सब चीज़ों का जवाब देखने के लिए आप देख सकते हो अतीत Z5 पे। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंसेस की, कि किस एक्टर ने कैसी परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा राजीव खंडेलवाल जी की डे टू डे स्क्रिप्ट चॉइसेस वो एकदम घटिया होती जा रही है। पहले मर्जी, उसके बाद ये अतीत। पता नहीं राजीव खंडेलवाल को क्या हो गया, पहले इतनी बढ़िया मूवीज़ करते थे, अब डे टू डे इनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस को पता नहीं क्या हो गया है। और बाकी स्टारकास्ट की बात करूँ तो एक्टिंग ठीक ठाक है सबकी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने को है ही नहीं। स्क्रिप्ट इतनी बुरे तरीके से लिखी गई है कि जो कुछ अगर देखने लायक है इसके अंदर तो वो है इन 3 टैलेंटेड एक्टर्स की थोड़ी बहुत एक्टिंग, बाकी कुछ नहीं है इस मूवी के अंदर देखने लायक। अब बात कर लेते हैं इसके गुड और बैड एस्पेक्ट्स की। तो पहले बात करते हैं इसके बैड एस्पेक्ट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बुरी राइटिंग है, बहुत बुरी तरीके से लिखा गया, बहुत भद्दा स्क्रीन प्ले, और जो हॉरर सीन्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से लिखे गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम 80s की या 90s की कोई घटिया बी ग्रेड हॉरर मूवी देख रहे हैं। सेकंड, पुअर VFX, VFX जो इसके अंदर हॉरर पार्ट के अंदर जो यूज़ हुए हैं, साइबर कैफे वाली एडिटिंग है, इतने घटिया VFX हैं कि आपको हंसना आएगा उनसे डरने की बजाय। और थर्ड, गाने भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, एवरेज म्यूज़िक है। जो मैं कहूँगा, सोनू निगम जैसे सिंगर आपने यूज़ करे हैं तो गाने और बढ़िया हो सकते थे, और बढ़िया क्या, बहुत बढ़िया हो सकते थे, लेकिन गाने भी कुछ ऐसे ही हैं, ठीक ठाक नहीं है। और गुड एस्पेक्ट्स में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो पूरी स्टार कास्ट है 3 लोगों की, प्रियामिनी, राजीव खंडेलवाल और संजय, इन 3 एक्टर्स ने ही बढ़िया काम किया है। अगर आप इनमें से 3 में से किसी के भी फ़ैन हो तो ही इस वेब सीरीज़ को देखो। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो मैं लास्टली यही बोलूँगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको मत देखो, इससे बेटर कोई हॉलीवुड की अच्छी हॉरर मूवी देखो। IT हो गई, कंजरिंग हो गई, काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे तो काफ़ी सारी हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ मिल जाएंगी। अतीत के बजाय उनमें से किसी को देख लो, आपका टाइम भी अच्छा बीतेगा और आपको थोड़ा डर भी लगे। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू अतीत का। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब बटन को दबा कर, या फिर सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करके। सो गाइज, दिस इज़ अभिषेक चुलवर साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।